Hello friends, welcome to My Solutions. और ये user and group management series का second video है और इस video हम सीखने जा रहे हैं कि Reddit Next 7 में user account कैसे create करते हैं. पिछले video में हमने user and groups का basic concept सीखा था कि user क्या होता है, group क्या होता है, UID क्या होती है, GID क्या होती है, RHEL 6 और RHEL 7 में UID में क्या डिफरेंस आया है और यूजर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में पढ़ा था और उन फाइल्स के जो मेन फील्ड होते हैं उन फील्ड का यूज हमने सीखा था. इस वीडियो में हम यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे. टू ऐड ए न्यू यूजर अकाउंट, नया यूजर अकाउंट ऐड करने के लिए आप यूजर ऐड कमांड यूज कर सकते हैं या फिर आप ऐड यूजर कमांड यूज कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले आपको यूजर ऐड कमांड लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद उस यूजर का नेम लिखना है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं माय सॉल्यूशंस नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा Useradd स्पेस माय सॉल्यूशंस. चलिए इसको क्रिएट करके देखते हैं. सबसे पहले आप जब भी आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप रूट यूजर से लॉगिन कीजिए. टर्मिनल ओपन कीजिए और सबसे पहले इसमें कितने यूजर क्रिएटेड हैं वो आप चेक कर लीजिए. तो जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री /etc/passwd फाइल में एंट्री होती है, तो /etc/passwd फाइल का आप कंटेंट चेक कर लीजिए गेट कमांड की सहायता से. तो देख लीजिए इसमें माय सॉल्यूशंस नाम का यूजर अकाउंट पहले से क्रिएटेड है और उसका जो यूआईडी है वो 1000 है और जीआईडी है 1000 और माय सॉल्यूशंस उसका कमेंट है /home/my-solutions उसकी होम डायरेक्टरी है और /bin/bash उस यूजर की लॉगिन सेल है. तो हम एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं. Useradd और मैं इसको नेम असाइन कर देता हूं MSD. एंटर और अब चेक कीजिए गेट passwd स्पेस सॉरी गेट स्पेस /etc/passwd स्पेस पाइप और ग्रेप कमांड की सहायता से इस कमांड का जो आउटपुट आएगा उसको हम फिल्टर कर देते हैं. अब ये कमांड सिर्फ MSD की डिटेल ही शो करेगा. तो देख लीजिए सबसे पहले MSD उस यूजर अकाउंट का नेम X, पासवर्ड प्लेस होल्डर है, 1001 उसका UID है और फिर से जो 1001 है वो उसका GID है और उसके बाद कमेंट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो हम ब्लैंक आ रहा है और इस MSD नाम के यूजर को होम डायरेक्टरी असाइन हुई है /home के अंदर /MSD /home/MSD /bin/bash इसकी लॉगिन सेल है. तो इस प्रकार आप नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड न्यू यूजर अकाउंट, जब हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब क्या होता है. जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं लिनक्स मशीन में तब उस यूजर की /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow फाइल में एंट्री ऐड होती है और ये तीनों हिडन फाइल
/etc/base_logout/base_profile/base_rc ये तीनों हिडन फाइल उस यूजर की होम डायरेक्टरी में कॉपी होती है जो उस यूजर सेशन के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करती है। और साथ में उसकी जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब उस यूजर अकाउंट की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है और साथ में उसकी परमिशंस और ओनरशिप भी सेट होती है। जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब उस जिस नाम का हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है उसी नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है जो उस यूजर के लिए प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। टू क्रिएट अ यूजर विथ डिफरेंट होम डायरेक्टरी, बाय डिफॉल्ट जब भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी /home directory के अंदर क्रिएट होती है। जिस नाम का हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस नाम की /home में एक होम एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है जो उस यूजर के लिए एज ए होम डायरेक्टरी यूज होती है। यदि आप किसी यूजर को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Useradd कमांड के साथ में -d ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं माई सोल्यूशन नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में Useradd कमांड के साथ में कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करता हूँ तो उस यूजर के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी /home/my_solution। अब मैं अजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं /etc/my_user/home_directory असाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड होगा /Useradd /d/etc/my_user/Ajay। अजय उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं वो डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं mkdir कमांड की सहायता से /etc/my_user। हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं /Useradd /d/etc/my_user/Ajay। तो यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है और साथ में एक वार्निंग दे दी कि द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको हम डिटेल चेक कर लेते हैं /cat /etc/passwd/grep/ajay। तो देख लीजिए अजय यहां पर जो होम डायरेक्टरी असाइन हुई है वो /etc/my_user नाम की होम डायरेक्टरी असाइन हुई है। तो हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी कस्टम डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी एज ए होम डायरेक्टरी उस यूजर को असाइन हुई है। और इस यूजर का जो यूआईडी है वो है वो 1002 और जीआईडी है 1002। अजय इस यूजर का यूजर नेम है /bin/base इस यूजर की डिफॉल्ट लॉगिन सेल है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं। क्रिएट ए यूजर अकाउंट विथ स्पेसिफिक यूजर आईडी। जब भी हम लिनक्स मशीन में यूजर अकाउंट ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं RHEL 7 में कोई यूजर अकाउंट ऐड कर रहा हूं तो उस यूजर को यूआईडी 1000, 1001, 1001, 2 जो भी सीक्वेंस में जो यूआईडी आ रहा है वो यूआईडी उस यूजर को असाइन होता है। उसी प्रकार RHEL 6 में 500, 501, 502 इस प्रकार असाइन होता है। यानी RHEL 6 में नॉर्मल यूजर की यूआईडी 500 से स्टार्ट होती है
और RHEL 7 में नॉर्मल यूजर की UID 1000 से स्टार्ट होती है। अभी हमने जैसे प्रैक्टिकली देखा कि हमने माय सॉल्यूशंस नाम का यूजर पहले से क्रिएट था तो उसको 1000 UID असाइन हुआ था। फिर हमने दूसरा यूजर क्रिएट किया MSD, उसको 1001 असाइन हुआ। फिर हमने अजय नाम का यूजर क्रिएट किया तो उसको 1002 UID असाइन हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करूं, जब मैं कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं तो उसको कोई स्पेसिफिक यूजर आईडी असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको यूजरएड कमांड के साथ में हाइपन यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं राजेश नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और उसको एक स्पेसिफिक यूजर आईडी 1050 असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा यूजरएड स्पेस हाइपन यू स्पेस 1015 स्पेस राजेश। राजेश उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। यूजरएड स्पेस हाइपन यू उसके बाद 1050 स्पेस राजेश। तो देखिए यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, इसको इस राजेश नाम के यूजर को यूआईडी कौन सा असाइन हुआ है, जो सीक्वेंस में चला रहा है वो यूजर आईडी असाइन हुआ है, या फिर हमने जो कस्टम यूआईडी असाइन किया है वो असाइन हुआ है। तो पास्ट बीडी स्पेस ग्रेप राजेश, तो देख लीजिए उस यूजर को यूआईडी 1015 असाइन हुआ है और जीआईडी भी उसको 1050 असाइन हुआ है। और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो /home/rajesh है और उसकी जो डिफॉल्ट लॉगिन सेट है वो /bin/bash है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर को स्पेसिफिक यूजर आईडी असाइन कर सकते हैं। क्रिएट ए यूजर अकाउंट विद स्पेसिफिक ग्रुप आईडी, यानी जिस प्रकार हम यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक यू आई डी असाइन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक जी आई डी भी असाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक जी आई डी असाइन करने के लिए आपको हाइफन जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यूजर एड कमांड के साथ में। तो फॉर एग्जाम्पल, आप विजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और उसको यूआईडी 1060 और जीआईडी 1010 असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजरएड स्पेस हाइपन यू 1060 स्पेस हाइपन जी 1010 स्पेस विजय। तो ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आप ग्रुप आईडी उसको असाइन कर रहे हैं 1010, तो ये ग्रुप आईडी पहले, इस ग्रुप आईडी का एक ग्रुप पहले से क्रिएट होना चाहिए। अगर इस ग्रुप आईडी का कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं है तो ये ग्रुप आईडी उस यूजर को असाइन नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि उस जी आई डी का, जिस ग्रुप की जी आई डी 1010 है, जो भी आप असाइन करना चाहते हैं XYZ, उस जीआईडी का ग्रुप पहले से क्रिएट होना चाहिए। अगर उस जीआईडी का ग्रुप क्रिएट पहले से क्रिएट नहीं है तो वो जीआईडी उस यूजर को असाइन नहीं होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। केट प्लस ETC ग्रुप, तो इतने सारे ग्रुप हैं 1050, 1002, 1001, जिनका GID है, जैसे MSD का 1001 है, अजय का 1002 है, राजेश का 1050 है। तो जैसे मैं 1001 उस यूजर अकाउंट को मैं GID असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा क्लियर यूजर एड
space hyphen u 1060 उसको मैं यूआईडी सेंड करना चाहता हूं, स्पेस हाइफन जी 1001 उसको जीआईडी सेंड करना चाहता हूं, स्पेस विजय। तो देखिए विजय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक कर लीजिए /etc/passwd और ग्रेप कमांड की सहायता से इस कमांड के आउटपुट को फिल्टर कर दीजिए। तो देख लीजिए जो हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है विजय उसको 1060 यूआईडी असाइन हुआ है और 1001 जीआईडी असाइन हुआ है /etc/group। ये जीआईडी हमने उसको असाइन किया है। ग्रुप्स तो देख लीजिए कि जो यूजर अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसको कौन सा ग्रुप असाइन हुआ है। तो यहाँ पे शो कर रहा है जब भी आपको किसी यूजर अकाउंट का ग्रुप चेक करना हो तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ग्रुप्स और उसके बाद उस यूजर अकाउंट का नेम लिखना है जिसका ग्रुप आप चेक करना चाहते हैं, जिसकी ग्रुप मेंबरशिप आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विजय नाम का जो यूजर है उसको एमएसटी ग्रुप असाइन हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक जीआईडी भी असाइन कर सकते हैं। एड ए यूजर टू मल्टीपल ग्रुप्स यानी किसी यूजर को मल्टीपल ग्रुप्स में कैसे एड करते हैं। जब आप कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस यूजर अकाउंट को उसी समय आपको मल्टीपल ग्रुप्स में एड करना है तो उसके लिए आपको हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और उसके बाद में वन बाय वन उन ग्रुप के नेम आपको लिखने हैं, टाइप करने हैं और सभी ग्रुप के नेम कॉमा से सेपरेट होंगे। तो चेक कर लीजिए, हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल है /etc/group, हमारे पास एमएसटी ग्रुप है, अजय ग्रुप है और राजेश ग्रुप है और हम एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं राज और उसको एमएसटी अजय और राजेश नाम के ग्रुप का मेंबर बनाएंगे यानी उस यूजर को हम एमएसटी अजय और राजेश नाम के ग्रुप में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कमांड होगा यूजर एड स्पेस हाइफन कैपिटल जी उसके बाद उन ग्रुप के ग्रुप्स के नेम आपको लिखने हैं एमएसडी अजय राजेश और उसके बाद उस यूजर का नेम आपको लिखना है राज। तो देख लीजिए यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है राज। पहले इसका जीआईडी चेक कर लेते हैं /etc/passwd/grep/raj। तो इस यूजर अकाउंट को यूआईडी असाइन हुआ है 1061, जीआईडी असाइन हुआ है 1061 और इसके ग्रुप मेंबरशिप हम चेक कर लेते हैं ग्रुप्स और राज। तो देख लीजिए राज यूजर चार ग्रुप का मेंबर है, राज, एमएसटी, अजय और राजेश। राज इसका प्राइमरी ग्रुप है, जो हमने पहले बात की थी जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस यूजर अकाउंट उस यूजर के जिस नाम का हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी नेम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है जो उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। तो राज इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है, आप आईडी सब चेक कर सकते हैं आईडी राज। तो यहाँ पे बता रहा है यूआईडी 1061 है राज, जीआईडी है इसका 1061
इसका जो प्राइमरी ग्रुप है राज, उसका जीआईडी है 1061 और इसके ग्रुप्स हैं राज जिसका जीआईडी है 1061, एमएसडी जिसका जीआईडी है 1001, अजय जिसका जीआईडी है 1002, राजेश जिसका जीआईडी है 1050। तो इस प्रकार आप किसी यूजर को, किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय उसको मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी आप बना सकते हैं, उसको मल्टीपल ग्रुप्स में आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। /etc/group तो देख लीजिए एमएसडी ग्रुप का मेंबर बन चुका है राज, अजय ग्रुप का मेंबर बन चुका है राज और राजेश ग्रुप का भी मेंबर बन चुका है राज और साथ में एक राज नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है जिसका जीआईडी है 1061। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी आप बना सकते हैं जब आप उस यूजर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। एड यूजर विदाउट होम डायरेक्टरी, यानी हमें यूजर अकाउंट क्रिएट करना है या एड करना है विदाउट उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट किए हुए, तो इसके लिए आपको हाइफन कैपिटल एम ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यूजर एड स्पेस हाइफन कैपिटल एम और धनुष, अब इसको चेक कर लीजिए। /etc/passwd/pipe/grape/धनुष, तो देख लीजिए यहां पर धनुष नाम की कोई भी होम डायरेक्टरी असाइन नहीं हुई है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे /etc/home/धनुष, तो यहां बताएगा नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, यहां पर ये शो जरूर करेगा कि /home/धनुष उसकी यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी है, लेकिन अगर आप हाइफन कैपिटल एम ऑप्शन यूज कर रहे हैं यूजर एड कमांड के साथ में तो उस यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। /home के अंदर उस यूजर /home डायरेक्टरी के अंदर उस यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। तो यहां पर चेक कर लीजिए, देखिए धनुष नाम की कोई भी डायरेक्टरी यहां पर क्रिएट नहीं हुई है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को विदाउट उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट किए भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हाइफन कैपिटल एम ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यूजर एड कमांड के साथ में। उसके बाद क्रिएट यूजर विद अकाउंट एक्सपायरी डेट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं यूजर एड कमांड की सहायता से, तब उसकी एक्सपायरी डेट जीरो सेट होती है। मीन्स जीरो का मतलब होता है वो अकाउंट कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। यदि आप किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन ई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और जो डेट का जो फॉर्मेट होगा वो होगा yy-mm-dd। एंड सबसे पहले ईयर आपको लिखना है और उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। एक्सपायरी डेट टेम्पररी अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए सेट की जाती है जिनको हम कुछ समय के लिए यूज करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। तो एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन ई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। हाइफन स्मॉल ई ऑप्शन आपको
यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अभय नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और उसकी एक्सपायरी डेट 22 अक्टूबर 2016 सेट करना चाहता हूं. तो उसके लिए कमांड होगा Useradd space hyphen e space 2016-10-22 space अभय. ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा और एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए आपको चेंज हाइपन एल ऑप्शन स्पेस अभी ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा. तो चलिए सबसे पहले हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं. अभी Useradd स्पेस हाइपन ई 2016 हाइपन टेन हाइपन 22 स्पेस अभी स्पेलिंग चेक कर लीजिए. अभी ए बी एच ए वाई ठीक है एंटर. तो ये यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है. चेज हाइपन एल अभी. तो देख लीजिए अकाउंट एक्सपायरी डेट आपकी इसको सेट हो चुकी है अक्टूबर 22, 2016. हमने जो पुराने यूजर क्रिएट किए थे इससे पहले जो यूजर क्रिएट किए थे एल अजय. तो देखिए यहां पर अकाउंट एक्सपायरी नेवर शो कर रहा है और इसमें क्या से शो कर रहा है अक्टूबर 22, 2016. तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं. तो जी तो अभय नाम का यूजर अकाउंट 22 अक्टूबर 2016 को एक्सपायर हो जाएगा. उसके बाद ये यूजर अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते. एड यूजर अकाउंट क्रिएट यूजर अकाउंट विथ पासवर्ड एक्सपायरी डेट. जिस प्रकार हम यूजर किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं उसी प्रकार उस यूजर अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको Useradd कमांड के साथ में हाइपन एफ ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एक्सपायरी वैल्यू -1 सेट होती है जिसका मतलब होता है वो पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा. यदि आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाइपन एफ ऑप्शन यूज करना होगा और द हाइपन एफ ऑप्शन इज यूज्ड टू डिफाइन द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर. हाइपन एप ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम उस यूजर अकाउंट के पासवर्ड को एक्सपायरी डेट सेट कर सकें, नंबर ऑफ डेट सेट कर सकें कि इतने दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैं विमान नाम का एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 2 दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा Useradd स्पेस हाइपन एफ स्पेस टू स्पेस विमान. विमान उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है. तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. Useradd स्पेस हाइपन एफ टू विमान. अब इसको चेक कर लीजिए. केट स्लैश एटीसी शैडो ग्रेप और उससे पहले हम अजय नाम के यूजर अकाउंट की डिटेल चेक कर लेते हैं और उसके बाद विमान. तो देख लीजिए यहां पर इसकी कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुई है
जबकि यहाँ पर एक टू शो कर रहा है, ये टू बता रहा है कि दो दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, यानी अजय नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, जबकि विमान नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड दो दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। ये जो सारी डिटेल है, हमने लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफली उसको समझा था कि किस फील्ड का क्या यूज है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसमें इन फील्ड की सारी डिटेल मैंने बताई है कि किस फील्ड का क्या यूज है। और एक कमांड और है, पास्ट ब्लू डी हाइफन कैपिटल एस स्पेस यूजर नेम। इस कमांड की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं, पास्ट डब्ल्यू डी हाइफन कैपिटल एस अजय। और उसके बाद में विमान, तो देख लीजिए बाय डिफॉल्ट यहां पर माइनस वन आ रहा है, ये माइनस वन शो कर रहा है कि पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, और यहां पर टू शो कर रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि दो दिन के बाद में विमान नाम के यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो आप पास्ट डब्ल्यूडी हाइफन कैपिटल एस ऑप्शन और उस यूजर का यूजर नेम, ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस यूजर की डिटेल चेक करने के लिए। ये आपको ये भी बताएगा कि उस यूजर का पासवर्ड सेट है या नहीं, ये सब आपको डिटेल में बताएगा। जैसे अभी पासवर्ड लॉक बता रहा है, तो पासवर्ड लॉक बता रहा है इसका मतलब कि अभी उस पर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। अब मैं उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड सेट कर देता हूं, पासवर्ड विमान वन वन, अब वो कमांड आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए, तो ये बता रहा पासवर्ड सेट और जो इंक्रिप्शन यूज हुआ है वो हुआ है SHA 512। तो ये सारी डिटेल थी जो हम चेक कर सकते हैं इस कमांड की सहायता से। और इस प्रकार आप हाइफन एप ऑप्शन यूज करके यूजर एड कमांड के साथ में किसी यूजर अकाउंट की पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं। Add a user account with custom comment। अगर आप किसी यूजर को, जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तब आप उसको कोई कस्टम कमेंट एड करना है उस यूजर अकाउंट के लिए, तो उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। कमेंट ऑप्शन ये शो करता है, कमेंट ऑप्शन आप ये एड कर सकते हैं कि वो यूजर अकाउंट किसके लिए क्रिएट किया गया है, किस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है, या फिर उसका पूरा नाम भी आप शो कर सकते हैं, उसका फोन नंबर आप सेट कर उसमें ऐड कर सकते हैं कमेंट फील्ड में। मेनली कमेंट फील्ड का यूज यही होता है कि वो यूजर अकाउंट किस लिए क्रिएट किया गया है और किसके लिए क्रिएट किया गया है, ये पर्पज शो करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हम ऐड नहीं करते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो आप हाइफन सी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम ऐड करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर विवेक नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ है और उसका पूरा नाम कमेंट फील्ड में ऐड किया है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं। यूजर एड हाइफन सी डबल यूनिट कोमा विवेक शर्मा और विवेक, तो ये विवेक नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे कमेंट फील्ड में विवेक शर्मा ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट के लिए
कस्टम कमेंट पे आप ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कमेंट पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अजय में हमने कोई भी ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा था, देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर विवेक शर्मा शो कर रहा है क्योंकि हमने कस्टम कमेंट ऐड किया था विवेक शर्मा। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट के लिए कस्टम कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। चेंज यूजर अकाउंट लॉगिन सेल, यदि आपको किसी यूजर अकाउंट की डिफॉल्ट लॉगिन सेल चेंज करनी है तो उसके लिए आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइफन एस ऑप्शन, हाइफन स्मॉल एस ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम विराट, और उसकी लॉगिन सेल हम चेंज कर रहे हैं sbin/sbin/no-login। तो चेक कर लीजिए डिफॉल्ट सेल होती है bin/bin/bash, उसको हम चेंज कर रहे हैं /sbin/no-login। तो जब भी हम नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट लॉगिन सेल होती है /bin/bash। अब हम विराट नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसकी हम लॉगिन सेल चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर एड स्पेस हाइफन एस स्लैश एस बिन प्लस नो लॉगिन और उसके बाद उस यूजर अकाउंट का नेम। अब उसकी डिटेल चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए अजय नाम के यूजर अकाउंट का जो डिफॉल्ट लॉगिन सेल था वो था /bin/bash और विराट नाम के यूजर को लॉगिन सेल असाइन हुआ है sbin/sbin/no-login। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट का लॉगिन सेल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शंस के साथ में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी कैसे असाइन करते हैं यूजर को, कोई स्पेसिफिक यूआईडी या जीआईडी कैसे असाइन करते हैं, विदाउट होम डायरेक्टरी के यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, यूजर अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, यूजर अकाउंट को कमेंट कैसे ऐड करते हैं, यूजर अकाउंट की लॉगिन सेल कैसे चेंज करते हैं, ये सभी हमने इस वीडियो में सीखा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और माई सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उनकी डिटेल आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।